छत्तीसगढ़ शासन के खेलकूद एवं युवा कल्याण, राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने जो गारंटी दी है उसे हम पूरा करेंगे, धरातल पर उतारेंगे। हमारी सरकार आते ही हमने किसानों को 2 साल का बोनस वितरण किया, साथ ही 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी शुरू कर दी है। बाकी जो भी वादे हैं उनको भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। भाई, कांग्रेस की सरकार ने खिलाड़ियों की पेंशन बंद कर दी थी, ये भी आरोप उन्होंने लगाया है, उसे हम फिर से चालू करेंगे। के बाद जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश होगा उसके हिसाब से तो काम किया जाएगा। और बात रही खेल युवा कल्याण की, तो पिछली सरकार ने युवाओं को प्रोत्साहित करने के नाम पर जो क्लब का गठन किया गया था, वो एक अपने कार्यकर्ताओं को पैसा बांटने का, सरकारी खजाने को लूटने का एक जरिया था। करोड़ों रुपए उसमें व्यय किए गए हैं पर उनका लाभ किसी भी युवा को नहीं मिला। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया था कि ये भ्रष्ट जो हो रहे हैं, भ्रष्टाचार कर इस नाम पे इस पर रोक लगाया जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल राज्य युवा क्लब पे रोक लगा दिए गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करेंगे। मेरा भी निवेदन था कि एक अच्छी नई योजना का नाम युवाओं के लिए दे करके युवा को प्रोत्साहित करने के लिए, जैसे स्वामी विवेकानंद प्रोत्साहन योजना चला था, एक ऐसा योजना कि हमारे ग्रामीण प्रतिभा को आगे लाने के लिए बनाए और इस तरह उनको हम प्रोत्साहित करें।